नमस्कार, हिंदुस्तान एकम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे शूजशेखर रस के बारे में। ये जो शूजशेखर रस है ये सुनियुक्त वाला है, गोल्ड वाला है और ये मैंने डाबर कंपनी का लिया है। तो सबसे पहले मैं आपके उसको बता दूँ कि 10 टैबलेट वाले डब्बी है, इसकी MRP है 310 रुपये और ये भी 2014 की, इसकी एक्सपायरी नहीं है इसमें। और मैं आपको इसमें ओपन करके दिखा देता हूँ, इसकी डब्बी के अंदर आपको यहाँ पर इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स इसके अंदर रहते हैं। तो इसी डब्बी मिलती है कांच की और इसके अंदर एक पेपर रहता है, इस पेपर के अंदर इसमें इन्ग्रीडियंट्स के बारे में दिया हुआ, इसके कंपोजिशन के बारे में और क्या कैसे काम करता है और इसे कैसे लिया जाता है, सारे इस पेपर के अंदर अवेलेबल है। बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसमें कजली है, स्वर्ण भस्म है, शुद्ध तनकना है, शुद्ध वत्सभा है, सोंठी है, मरीचा है, पीपली है, शुद्ध धतूरा है, ताम्र भस्म है, नागकेसर है, तवक है, ईला है, तवक पत्र है, शंख भस्म है, बिलवा है, करचुआ है। इस प्रकार के इसमें इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे इस पेपर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस प्रकार की परेशानी में काम करता है, कैसे इसका सेवन करना है, सारे इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो डाबर कंपनी की जो शूजशेखर रस है गोल्ड वाली किस किस प्रकार की समस्याओं में काम आती है, इसका उपयोग कैसे करना और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि शूजशेखर रस किस किस प्रकार की समस्याओं में काम आता है। तो ये जो अम्लपित्त की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है उसमें काम करता है, उल्टी की परेशानी में काम करता है, जो शूल की परेशानी होती है, कोलिक की परेशानी उसमें काम करता है। इसके अलावा ये जो पेट की परेशानी होती है उसमें काम करता है, जो पेट में गैस उठने की समस्या होती है या मंदाग्नि की समस्या होती है, बार बार में हिचकी होता आती है उस परेशानी में काम करती है, हिचकी की परेशानी को दूर करती है। जो डायरिया की परेशानी होती है वो डायरिया की परेशानी में भी काम करती है। अगर आपको यहाँ पे एसिडिटी बनती है, खट्टापन बनता है सीने में, जो पित्त की जो परेशानी होती है उसमें काम करती है। और इसके अलावा जो पीठ का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है और कास संबंध से जो परेशानी होती है, बुखार आना, दस्त होना, मुंह में छाले का होना, मुंह की परेशानी होना, इसके अलावा पेट की जो परेशानी होती है उसमें काम करता है। और कास की जो परेशानी होती है, खांसी हुआ, नज़ला हुआ, जुखाम हुआ, सूखी खांसी हुई, इसमें भी काफ़ी अच्छा काम करती है। और ये जो पित्ताशय की जो परेशानी होती है उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो शूजशेखर रस काफ़ी अच्छा काम करती है और ये गोल्ड वाली है तो इसका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी जल्दी आपको यहाँ पर मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसका यहाँ पर सेवन कैसे करना है। तो जो इसका जो सेवन है वो आपको यहाँ पे एक गोली करनी है, एक गोली सुबह में इसका एक सेवन करना, सुबह नाश्ते के बाद एक गोली दिन में लेनी है। इसका जो सेवन है सिर्फ एक गोली दिन में एक बार सुबह नाश्ते के बाद इसका सेवन करना है। और मैं आपको बता दूँ अगर आपकी परेशानी ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास लेना है। और बात करें यहाँ पर परहेज की तो परहेज के तौर पर आपको यहाँ पर जो चावल हुए, दही हुई, तेल की चीज़ें हुई, खट्टी चीज़ें हुई, इन प्रकार की चीज़ों को आपको यहाँ पर परहेज रखना है। ये जो शूजशेखर रस है ये एक डाबर कंपनी को बताइए, सभी प्रकार की कंपनी इसको बनाती है, ये गोल्ड में भी आती है, बिना गोल्ड के भी आती है, तो दोनों प्रकार की आपको यहाँ मिल जाती है। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो सुनियुक्त वाली लेनी है, अगर आपको यहाँ पर इतना बजट नहीं है तो आप इसको शूजशेखर प्लेन जो आती है बिना गोल्ड के वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सभी प्रकार की आयुर्वेदिक कंपनियाँ बनाती हैं और इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया था, उसको आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी स्टोर में मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं अगर आपको यहाँ पर कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को शेयर करें। बाय बाय।